खाते पीते हंसते मुस्कुराते हुए मेरे ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड चलिए आज हम लोग बथुए का दाल बनाएंगे, जिसे दलपेता भी बोला जाता है। तो चलिए हम लोग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड आज हम लोग बथुए वाली दाल बनाएंगे, इसको दलपेता भी बोला जाता है। तो हम चने की दाल भी बना रहे हैं और चने की दाल भी हमने धो लिया है और बथुए को भी धो कर कट कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम लोग कुकर में बॉयल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हम लोग बथुए को इसमें ऐड कर लेते हैं कुकर में और इसमें हम दाल को भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी एक हिसाब से डालिएगा, पानी आप बाद में भी गर्म करके भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जा रहा है तो। यहाँ पे हम लोग एक चम्मच के करीब में मसाला ऐड कर लेंगे और हल्दी पाउडर एक चम्मच और नमक ऐड कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करिएगा। और यहाँ पर हम टमाटर भी ऐड कर ले रहे हैं और कुकर का ढक्कन कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे 3 से 4 सीटी लगाएंगे, ताकि चने के दाल में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फ्रेंड चलिए हम 3 से 4 सीटी लगा के फिर मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड दाल बॉयल होके रेडी हो चुका है। अब इसे हम लोग तड़का लगाएंगे। तो चलिए तड़का लगाते हैं। तड़का के लिए देखिए फ्रेंड ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जीरा क्रश करके ऐड कर लेंगे और ये लहसुन और हरी मिर्ची का तड़का लगाएंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर हींग का भी यूज़ करेंगे। हींग यहाँ पर बहुत ज़रूरी है टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो एक पीस हम हींग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसे हम लोग जलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर तड़का का कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन। अब इसमें हम लोग दाल को ऐड कर लेंगे। चलिए हम लोग दाल ऐड कर लेते हैं। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि हींग का जो फ्लेवर है इसी में अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए दाल बन के रेडी हो गया है फ्रेंड। तो आप भी बताइए कैसा लगा ये रेसिपी, और बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड। आप भी इस समय ठंडी के सीजन में बथुआ का यूज जरूर कीजिए, जैसे भी यूज करना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।